हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कुंवारी खिलाने के बाद, मतलब कन्या खिलाने के बाद, मैंने ये व्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया है। हम लोग लंच करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ उतार रही हूँ गरम गरम पूड़ियाँ। और सब्जी है आलू मटर टमाटर की, पापड़ मैंने फ्राई कर लिया है, खीर है, चटनी है, और मेरे हस्बैंड दही भी ले लेंगे। तो ये हम लोगों का लंच है। चलिए लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। रखा है यहाँ पे पीहू का किचन सेट, जो कि आज पीहू को कन्या में मिला है। पीहू कैसा लग रहा है? ये आपने रखा है यहाँ पे? अरे वाह, पीहू के पास क्या क्या है? गैस है। ये क्या है पीहू? कुकम्बर नहीं, कुकर। ओके, ये क्या है? ये ढक्कन। भगोना, भगोने का ये लिड है। और ये यहाँ पे सारे स्पैटूला रखे हैं। तो पीहू ने अपना यहाँ पे सेट पूरा सेट कर दिया है ना, किचन सेट। ओके, सोते हैं। ओके, चलो बाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अभी शाम दोपहर हो चुकी है और हम लोगों ने लंच कर लिया था। जैसा कि आपने देखा, मैंने सुबह यही पूड़ी सब्जी और खीर बनाई थी जो कन्या पूजने में बनाया था। तो वो व्लॉग मैंने वहीं पे बंद कर दिया था, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं किया। फिर मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। अभी हम लोग का लंच हो चुका है, टाइम हो गया है 12:30 का। लंच हम लोग ने जल्दी कर लिया क्योंकि जब कन्या खा के गई तो हम लोगों ने सोचा चलो फिर हम लोग भी खा लेते हैं। फिर मैंने चेंज वेंज करके ऐसा कर लिया है। और अभी हमारा प्लान है शॉपिंग के लिए जाने को। दीपावली की शॉपिंग कंटिन्यू करनी है, आधी थोड़ी सी हुई थी और फिर थोड़ी अभी बाकी है। और ये पीछे रखा हुआ है नेचर श्योर का माइंड शक्ति। मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में कि मैंने कुछ कुछ सामान मंगाया है, तो मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए मंगाया था। तो ये वो आजकल खा रहे हैं, पिछले 10-12 दिन हो गए हैं। तो ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। तो मैं इसके बारे में पहले आपको बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे बाहर घूमने के लिए, मतलब शॉपिंग के लिए। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बैक कैमरा करके बता देती हूँ, क्योंकि मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है तो फिर उसमें आराम नहीं रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नेचर श्योर की माइंड शक्ति सपोर्ट मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। और ये ऐसे कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है। इसमें 60 पिल्स होती हैं, 60 गोली होती हैं, जो कि आपको इसमें लिखा हुआ है कि आपको दिन में 2 गोलियां लेनी हैं। लिखा हुआ है 2 टैबलेट्स आफ्टर मील इन मॉर्निंग एंड ईवनिंग। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी ऐसी पैकेजिंग है और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। ये है प्लास्टिक की बॉटल, ये देखिए, और इसमें गोल्डन कलर का ये लिड लगा हुआ है। ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये वाइट कलर का ऐसा एक ये लगा है कागज का, और इसमें 60 गोलियाँ होती हैं। बट मेरे हस्बैंड इसको डेली 2 तो नहीं खा रहे हैं, वो दिन में 1 ही पिल्स लेते हैं, बट इसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उससे उन्हें इसकी वजह से काफ़ी अच्छी नींद आती है, टेंशन फ्री रहते हैं, कोई भी माइंड में टेंशन आता ही नहीं है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और लेकिन इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। मेरे हस्बैंड इसको ले रहे हैं तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। ये कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपको बहुत रिलीफ देता है और आपके अंदर जो मेमोरी की पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो यही है। और मैं इसका प्राइस आपको बता देती हूँ, इसमें नहीं मेंशन है। हाँ, इसका प्राइस है 894 रुपीज़, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है अश्वगंधा, ब्राह्मी, तो वो सब आप जानते ही हैं कि आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इसको जूम करके कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये 100% नेचुरल है, सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। वैसे भी नेचर श्योर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस ब्रांड पे। तो अगर आप चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। साठ
खोली है, ये 1 month आपके लिए है, सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो, लेकिन मेरे हस्बैंड तो इसे दिन में एक लेते हैं, तो ये 2 महीने चलने वाली है। और इसके शेल्फ लाइफ की भी बात कर लेते हैं, ये 2019 की बनी है और 22 तक चलेगा, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। वैसे भी आपको लेना है तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने जैसा कि देखा, सुबह मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाया था, अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, मैंने एक वीडियो एडिट करने को रख दिया है, वही कन्याकुमारी कन्या खिलाने वाला। और अब मैं फिर से अभी एक अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता तो मुझे लगा कि अब एक ही दिन में दूसरा वीडियो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कुछ शॉपिंग के लिए, तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये टॉप वेयर किया है, सिंपल प्लेन सा है, और ये जीन्स है। पीहू यहाँ पर खड़ी है, मैं जा रही हूँ पीहू को तैयार करने के लिए, और धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी है, तो शायद मैं अभी बाल को बांध लूँगी और फिर कहाँ जाती हूँ, क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, पूरे व्लॉग के एंड तक साथ में बने रहिए। और बहुत अच्छा आपको आगे शॉपिंग दिखेगी, शॉपिंग हॉल भी दिखेगा। और ये देखिए, बहुत बड़े बड़े 2 पिंपल हो गए हैं जैसा मैंने आपको बताया। और चलिए फिर अभी साथ में चलते हैं शॉपिंग करने। कहाँ जा रही हूँ तो उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। चलिए फिर साथ में चलते हैं। तो पीहू की शॉपिंग यहाँ हो चुकी है और पीहू आई है अपनी बिलिंग कराने के लिए। तो ये देखिए, उसने अपना ड्रेस लेकर आई है यहाँ पे बिलिंग कराने को, और पीहू के डैडी भी पीछे खड़े हैं उसकी हेल्प करने के लिए। हमारी दिवाली शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए मैं आपको सीधे सुबह मिलती हूँ, अभी बहुत रात हो गई है। वेलकम बैक टू माय चैनल, हैप्पी नौमी, आज है नौमी। और अभी मैंने कल वाला व्लॉग वहीं पे बंद कर दिया था, कल हम लोग गए थे थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, क्या क्या लेकर के आए हैं वो आपको पता चलेगा मेरे दिवाली शॉपिंग हॉल पे, मतलब मैं आपको बता दूंगी या दिखा दूंगी। तो अभी पीहू के स्कूल में आज था डांडिया उत्सव, तो पीहू ने ये वाली ड्रेस पहनी थी, वही अपनी चनिया चोली जो है। और अभी पीहू इसलिए तई ड्रेस इसलिए पहना है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फिर से कन्या जमाई के लिए, पीहू को बुलाया गया है, मेरी फ्रेंड ने उसको बुलाया है, मैंने यही ब्लू वाली कुर्ती पहनी है, ये बाहर रखी हुई थी तो मैंने पहन लिया है। और पीहू इधर तैयार खड़ी है,
बस चलिए साथ में चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पीहू कन्या खाने तो जा रही है और कल हम लोग डांडिया खेलने नहीं जा पाए थे क्योंकि मैंने बताया हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, तो वही है और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने पोनी टेल बांधी हुई है, धूप बहुत तेज़ है और ये वाले मैंने बैंगल्स पहने हैं आज, तो ये कांच के नहीं हैं, ये क्या बोलते हैं लाख के कांच हैं, तो लाख के कड़े हैं, इसलिए मैंने एक कांच का भी बैंगल डाला है। वैसे लाख के कड़े के बाद आपको ज़रूरत नहीं होती है, बट मैंने डाला हुआ है। और चलिए फिर साथ में चलते हैं और फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। फिर घर आ गए थे और फिर शाम को मैं निकली थी पीहू को घुमाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे बंधनवार जो दरवाजे पे बांधा जाता है वो मिल रहा है, कल दशहरा है इसलिए। तो मैंने सोचा चलो पीहू को दर्शन भी करा देते हैं, तो दुर्गा मैया के मैं पीहू को दर्शन कराने के लिए लेकर के आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है दुर्गा माता को देख करके। आइए आप ये दर्शन कर लीजिए। ये क्या कौन सा सेट है ये? मेरा सेट। आपका सेट तो है पर ये डॉक्टर सेट है क्या? हाँ, अरे वाह, आपको डॉक्टर बनना है। हाँ। और ये क्या है? ये डॉल है। हाँ। चलो ठीक, क्या करें? अनबॉक्सिंग करें। हाँ। अच्छा जी, चलो भाई इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अभी शाम हो चुकी है। हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे पीहू को वॉक कराने और वही जो थोड़ा बहुत जो डेली का सामान लेके मैं आती हूँ वो सब मैं लेकर के आई हूँ। पूजा मैंने कर ली है, दिया जला दिया है और कवच की लग भी पढ़ लिया मैंने। और पीहू आज आप लोगों को 5 वाइल्ड एनिमल्स नेम बताएगी, बताओगी ना? बताइए। हाँ, वेरी गुड। और लॉयन टाइगर, हिप्पोपोटामस, हाँ, कैंगरू, कैंगरू एंड और बताओ, 5 बताना है ना? लॉयन टाइगर, हिप्पोपोटामस, कैंगरू, हाँ और बताओ, मंकी जिराफ। वेरी गुड। चलो अब सबको बाय कर दो। बाय बाय बाय। एंड सब मैं सोच रही हूँ, 2 कमेंट्स हैं मैं उसको भी रीड कर लेती हूँ। तो आज का जो पहला कमेंट है वो है आशा जी का, वो बोल रही हैं मेरा भी नाम लो ना दी प्लीज़, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। तो मैं आशा जी, मैंने आपका नाम ले लिया है और पता है आपका ये जो कमेंट है ना वो कमेंट चला गया था स्पैम में। मतलब अगर मैं नॉर्मल सारे कमेंट्स देखती हूँ ना तो उसमें आपका कमेंट शो नहीं हो रहा था, तो ये कमेंट मुझे दिख गया, मैंने स्पैम चेक किया तो उसमें आपका कमेंट था, तो मैंने वो रीड कर दिया है। और जो आज का नेक्स्ट कमेंट है वो है हनी जी का, वो बोल रही हैं हाय बुलबुल, आई एम बबीता,
प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लेना, पीहू बहुत क्यूट है। तो बबीता जी मैंने आपका नाम भी ले लिया है और थैंक यू सो मच कि आप लोग बोलते हो मुझे कि मेरा नाम लो, मुझे अच्छा लगता है। और मैं सबको नाम मतलब हर बार सोचती हूँ कि सबका एक एक करके नाम मैं लेती रहूँगी, तो बस मैं ट्राई सबके लिए करती हूँ, बट मैं जिसका नाम नहीं ले पाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होना, गुस्सा मत होना, और जल्दी जल्दी सबका ही नाम लूँगी हर व्लॉग में। तो अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है, हम सब फ्री हैं। मैं सोच रही थी आज नौमी है, लास्ट डे है, तो हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे, बट मेरे हस्बैंड बहुत देर से आए और हम लोग डांडिया खेलने नहीं जा पाए और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ थी, तो बच्चे को ले जाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से आज हम लोग डांडिया खेलने नहीं गए, बस हम लोग ने अपनी विंडो से ही देख लिया है। तो अब चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा।